नमस्कार, सैटेलाइट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आज की खास खबर, जालौन में पीएम की पत्नी। जालौन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन पहुंची। यहां उन्होंने राठौर समाज के 5वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने 25 जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। यह सामूहिक विवाह सम्मेलन माधोगढ़ के बहादुर सिंह महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। पीएम मोदी की पत्नी जशोदा बेन पहली बार जालौन पहुंची थी और यहां पर माधोगढ़ में खूब स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मंच से सभी जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया और सभी को संदेश दिया कि वह बेटियों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि समाज को बेटियों को बचाना चाहिए और उन्हें समाज में शिक्षित करना चाहिए, जिससे बेटियां देश का नाम ऊंचा कर सके। उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह सामाजिक सेवा करने में लगी है और वह सामूहिक सम्मेलन में शिरकत करने आई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह सिर्फ सामाजिक सेवा करने चाहती है, वह राजकाज से दूर रहेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि वह महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आएंगी और सभी से अपील करेगी कि सभी महिलाओं का सम्मान करें। वहीं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले राठौर समाज के जिला अध्यक्ष अरविंद राठौर ने कहा कि समाज में दहेज रूपी दानव को समाप्त करने के लिए सामूहिक सम्मेलन कराया है और आज 25 जोड़ों की शादियां कराई हैं। मैं समाज में सामूहिक विवाह के में कार्यक्रम में आई हूँ। मैं गुजरात में पहली बार माधोपुर में पहली बार अपना एक शोक लगन में देखा बात में आई। समाज को असर देता है चाहती हूँ। समाज के लिए आगे बढ़ते चाहती हूँ। समाज में महिलाओं पे कई अत्याचार हो रहे हैं, तो महिलाओं के लिए आप आगे आएंगे? महिलाओं आगे बढ़े मैं प्रार्थना करती हूँ। रिपोर्ट अनुज पाटकर, धन्यवाद।